माय चैनल। तो आज जो है मैं आपके साथ अपने किचन का डेकोर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो ये जो है मेरा एक छोटा सा प्यारा सा किचन है जिसे मैं डेकोर से भी ज़्यादा कोशिश करती हूँ नीट एंड क्लीन रखने की, क्योंकि किचन जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही हम अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो ये कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। तो ये कॉर्नर पे जो आप ये सेट देख रहे हैं टी कॉफ़ी का, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। बट इसमें चाय या कॉफ़ी ये रखने के बाद, शुगर रखने के बाद, शुगर में जो है चींटियाँ लग रही थी और चाय और कॉफ़ी का भी जो फ्लेवर धीरे धीरे ये हो जा रहा था, ख़त्म हो जा रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने इसका यूज़ करना बंद कर दिया। इसमें मैं अभी ये रखने लगी हूँ, लाइटर वगैरह और स्पून वगैरह रखती हूँ इसमें। तो अगर आप में से कोई फ्रेंड्स अगर ये लेने का सोच रहे हैं तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी इसे लेना। बट अगर आप डेकोर के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे तो किसी ख़ास यूज़ में नहीं आएगा ये। और यहाँ पे नीचे मैंने स्पून होल्डर रखा हुआ है। और ये जो स्टैंड देख रहे हैं ये भी अमेज़न से ख़रीदा था मैंने। और यहाँ पे मैं शुगर टी रखती हूँ और नीचे कुछ कॉर्न रखे हुए हैं जो इवनिंग स्नैक्स में लगते हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है जो मैंने मिनी सो से ख़रीदा था। और यहाँ पे जो है ये टिशू होल्डर है, ये एक बॉक्स था मेरे पास तो मैंने उसको वाइट कलर कर दिया और उसके अंदर ये टिशू रखती हूँ मैं। और यहाँ पे जो ये सिरामिक का ये देख रहे हैं आप जा रही है, मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। आप अगर लेना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये नीचे जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर आप देख रहे हैं ये मैंने बंजारा मार्केट से ख़रीदा था दिल्ली के। और इसमें मैं कुछ बचे हुए मसाले ऐसे रख देती हूँ जो थोड़े बहुत बच जाते हैं। और ये जो ऑयल कंटेनर आप देख रहे हैं ये शायद मैंने मीशो से ख़रीदा था, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने अपना मिक्सर रखा हुआ है और यहाँ पे मॉर्टल एंड पेस्टल रखा हुआ है और मनी प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है तो इसीलिए मैं किचन में भी थोड़ा बहुत रखती हूँ प्लांट्स वगैरह। और यहाँ पे ऊपर मैंने मसाले रखे हुए जो डेली यूज़ में लगते हैं मुझे, तो सब हाथ के पास अवेलेबल जो भी रहता है वो इसी में यहीं पे रखती हूँ। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये खाली स्पेस, यहाँ पे एक्चुअली मेरा माइक्रोवेव था पहले, मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया था, लेकिन जब मैंने नया माइक्रोवेव ख़रीदा तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये छोटा सा स्टैंड जैसा बना दिया और उसके अंदर बास्केट रखती हूँ, उसमें थोड़े बहुत सामान वगैरह आ जाते हैं। और ऊपर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे साइड में मैंने मसाले, बाकी मसाले वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ, चावल दाल वगैरह जो भी है सब यहाँ पे रखती हूँ। और ये कॉर्नर पे मैं ऑयल रखती हूँ और ऊपर कुछ कप्स जो यूज़ नहीं होते वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो बची हुई ग्रॉसरीज वगैरह एक्स्ट्रा रहती है वो यहाँ पे रख देती हूँ।
और ये कॉर्नर पे मैं यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ है, और उसके बाजू में ये पानी रखा हुआ है यहाँ पे, जो खाना बनाने में यूज़ होता है और पीने के लिए सब यहीं रखा है। और ये जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, ये ग्लास का था, थोड़ा पुरानी डिज़ाइन का था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इस पर वॉल स्टिकर लगा दिया है, तो उसके बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अगर आप भी चाहें तो लगा सकते हैं वॉल स्टिकर वगैरह, अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।